हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश का बजट, और बजट से किसी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हम इस बजट को सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं उन बातों को देखेंगे, जो नई योजनाएं शुरू की गई उनको देखेंगे, नई योजनाओं पे कितना व्यय हो रहा है उसको देखेंगे। तो तमाम क्वेश्चंस जो एग्जाम में बनते हैं उनको हम फुलफिल करेंगे, ज्यादा बातों को नहीं देखेंगे, ताकि उतना पढ़ा जाए जितना जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश बजट का सार 2023-24 का ये बजट है, प्रस्तुत किया गया सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा, जो कि वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, है ना। अमृत काल का पहला बजट है ये, ध्यान रखना है आपको। प्रस्तुत किया गया 22 फरवरी 2023 को, ठीक है। इसको अब हम शुरू कर रहे हैं। बजट के बारे में जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं नोट करना है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो बनेगा बजट का कुल अमाउंट कितना है। तो टोटल बजट या कुल जो बजट है वो है 690-242। मैं जैसे आपको बता रहा हूं ठीक उसी तरीके से आप इसको याद रखेंगे, 690-242, ईजी रहेगा ऐसे याद करना। तो आप मन में दोहराइए, 690-242, जीवन आसान है प्यारे बच्चों। अब हमने देखा कुल व्यय, ठीक है, यानी कुल बजट। तो इसमें हम देखेंगे जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय कितना कर रही है सरकार, और पूंजीगत व्यय कितना कर रही है। तो राजस्व व्यय कर रही है सरकार 502,354, कितना कर रही है 502,354। आपको ये तीन तीन डिजिट में तोड़ के ही याद रखना है, 690-242, 502,354 राजस्व व्यय। पूंजीगत व्यय कितना है 187,888, कितना है 187,888। बहुत आसान हो जाएगा, बजट में बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, बिहार के बच्चे जानते हैं, यूपी में बजट पढ़ाना इस तरीके से अब शुरू कर रहा हूं। तो बजट पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखिए कुल बजट है 690-242, राजस्व व्यय कितना है 502,354। पूंजीगत व्यय कितना है 187,888। जीवन आसान है मेरे प्यारे बच्चों। इंग्लिश में देखिए, टोटल बजट 690,242 है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 502,354 है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 187,888 है ना। इंग्लिश में बता दिया, याद हिंदी में ही रखो, ठीक है। अब देखते हैं ये बजट तो कब के लिए हो गया, तो ये बजट हो गया फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भाई पिछले साल कितना था बजट, या पिछले साल की तुलना में कितना बजट में वृद्धि हुई है, तो पिछले साल का बजट था मेरे प्यारे बच्चों 615,519, कितना था 615,519, और अभी कितना देख रहे हैं हम 690। तो 15 से 90 बढ़ा है, यानी ऑलमोस्ट 75 के आसपास बढ़ा है। तो देख लीजिए 747,23, यानी ये कितना बढ़ गया है 74,723 करोड़, कितना 74,723 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है पिछले बजट की तुलना में इस बजट में, 74,723 करोड़ की। ध्यान रखिएगा, पिछला भी पूछ सकता है स्टेट पीसीएस में, जैसे आरओ एआरओ या यूपीएससी में पूछ सकता है, यूपी पीसीएस में, बाकी वनडे ईयर में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं टोटल रिसिट। हमने खर्चा तो देख लिया भाई, कुल खर्चा तो हमने देख लिया, लेकिन अब हमको कुल प्राप्तियां भी तो देखनी है। तो कुल प्राप्ति कितनी हो रही है, तो 683,292, कितनी हो रही है 683,292 कुल प्राप्तियां। हमने कुल खर्च कितना देखा है 690,242, कितना देखा है 690,242। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है खर्च, ये क्या है एक्सपेंडिचर है टोटल, और टोटल रिसिट कितनी है 683,292, 683,292 आप देख रहे हो। तो 683 से 690 ऑलमोस्ट 7 का डिफरेंस, ठीक है। ये इस तरीके से आपको बजट याद रखना होता है। अब आप देखेंगे कि भाई जो प्राप्तियां हो रही हैं, जो 683,292 जो मिल रहा है ये कहां कहां से मिल रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये राजस्व लेखे की प्राप्तियां, यानी जो रिवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, रिवेन्यू जेनरेट हो रहा है। तो रिवेन्यू रिसिट कितनी है, रिवेन्यू रिसिट या राजस्व लेखे की प्राप्तियां हैं 570,865, कितनी है 570,865, टोटल कितना 683, ऐसे याद रखो 683, और उसमें 570 जो आ रहा है वो रिवेन्यू रिसिट से आ रहा है, यानी राजस्व लेखे की प्राप्तियां।
तो पूंजीगत लेखे की प्राप्ति कितनी है 112,427, कितनी है 112,427, इन दोनों को जोड़ोगे ना तो टोटल यही आ जाएगा 7, 5, 12 का तो हासिल लगा एक 4, 6, 4, 10 और 11 है ना, तो आप जब इनको जोड़ोगे तो अमाउंट यही आ जाएगा, इसमें कोई समस्या आपको होगी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। एक और बात महत्वपूर्ण फैक्ट्स में कि भाई जो 2021-22 में जो बजट आया 2021-22 में प्रदेश के जीएसडीपी में 16.8%, ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट बात है जो बजट में कही गई कि 2021-22 में प्रदेश के जो ग्रॉस स्टैटिक जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें 16.8% की वृद्धि हुई थी, है ना, पिछले साल का जो बजट था जो 2021-22 में जो इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे दिया है उस इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से इन्होंने कहा कि जो लास्ट ईयर था, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है लास्ट ईयर का डेटा होता है उसमें, तो 21-22 का कब आया है 22-23 में, तो 21-22 में जो स्टेट का ग्रॉस स्टेटिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट था ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था उसमें ग्रोथ थी 16.8% की, जो भारत में पहले नंबर पे है। अब इनका जो है अनुमान है एस्टीमेट है कि 2023-24 में, कब 2023-24 में ये 19% ये जो है ग्रोथ रखेंगे, कितनी परसेंट 19% किसका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात हो रही है, राज्य घरेलू उत्पाद जो पहले 16.8% था अब इनका लक्ष्य है 2023-24 के बजट में कि ये इसको 19% पहुंचा देंगे, इतना 19%। अगली महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि यूपी की बेरोजगारी दर, उत्तर प्रदेश का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था जो बेरोजगारी दर थी वो पहले कितनी थी प्यारे बच्चों 14.4% थी 2017 से पहले, कितनी 14.4%, जो अब घट के कितनी हो गई है 4.2%। इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा कि भाई जो बेरोजगारी दर 2017 से पहले 14.4% थी अब वो घट के हो गई है 4.2%, चूंकि ये बजट में बताया है आंकड़ा तो एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखते हैं बजट में जो महत्वपूर्ण बात होती है कि रुपया आ कहां से रहा है रुपया जा कहां रहा है, यानी इनका जो ये पूरा जो फंड है जो ये खर्च कर रहे हैं ये आ कैसे कैसे रहा है, तो मैंने ये मैप पे बनाया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक सीरियल नंबर में याद रखिएगा क्योंकि इसमें मैच कराने को पूछता है तो ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जो हो रहा है स्वयं का कर राजस्व, सबसे ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों कहां से हो रहा है, सबसे ज्यादा पहले नंबर पे आप देखोगे तो ओन टैक्स रेवेन्यू है, स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू 38.8%, स्वयं का कर राजस्व। दूसरे नंबर पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर पे है केंद्रीय करों में राज्यांश, यानी स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, जो केंद्र जो है जीएसटी कलेक्ट कर रहा है उसमें जो उत्तर प्रदेश का अपना जो शेयर है, जो उत्तर प्रदेश का शेयर बनता है हिस्सा बनता है वो है 27%, यानी जो मान लीजिए अगर इनको 100 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है टोटल 100 रुपए जो है इनको रिसीव हुए, रुपए लिख देता हूं डॉलर नहीं, ठीक है तो मान लीजिए 100 रुपए मिले उत्तर प्रदेश को, ठीक है कितने मिल रहे हैं 100 रुपए, तो उसमें 100 रुपए में 38.08 रुपए तो आ रहे हैं अपना खुद का इनका टैक्स से, इन्होंने जो खुद टैक्स कलेक्ट किया है 27 रुपए आ रहे हैं, जो सेंटर ने जीएसटी या दूसरे टैक्सेस कलेक्ट किए उसमें जो है इनका हिस्सा रहा यूपी का, उसमें 14.9 रुपए कहां से आ रहे हैं केंद्र से सहायता अनुदान, ठीक है तो तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा केंद्र से सहायता अनुदान यानी ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंटर, फिर चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा पब्लिक डेट, यानी कि ये जो ऋण ले रहे हैं सरकार अपने लोगों से तो ये है लोक ऋण पब्लिक डेट, चौथे नंबर पे जो मार्केट से इन्होंने ऋण उठाया है लोगों से चाहे शेयर के थ्रू चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू, ठीक है फिर पांचवें नंबर पे आता है आपका, पांचवें नंबर पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो पांचवें नंबर पे है आपका करेतर राजस्व यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर से एक बार देखिए पहले नंबर पे स्वयं का कर राजस्व, दूसरे नंबर पे केंद्रीय करों में राज्यांश, तीसरे नंबर पे केंद्र से सहायता अनुदान, चौथे नंबर पे लोक ऋण, पांचवें नंबर पे है करेतर राजस्व, और इसको क्रम में लगवाएगा, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट कि पैसा कहां से आ रहा है। फिर इसके बाद हम देखेंगे पैसा खर्च कहां हो रहा है, सरकार को पैसा आ तो गया लेकिन मनी गोज रुपीज गोज यानी रुपया जाता कहां है, ठीक है रुपया जाता कहां है, रुपया जाता है ठीक है ऐसे भी देखते हैं इसको, तो रुपया कहां जा रहा है सबसे ज्यादा जा रहा है पूंजीगत परिव्यय पे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे लाल लालियो,
सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर यहाँ कुछ है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे प्यारे लाल लालियो यहाँ कुछ देखने लायक है, तो वो यही है कि सबसे ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हो रहा है 21.7% जो है टोटल खर्चा, सबसे ज्यादा खर्चा। यानी कि अगर सरकार के पास मान लो 100 रुपए की रिसिट आ रही है, सरकार के पास मान लीजिए 100 रुपए टोटल आए, है ना, तो 100 रुपए में सरकार सबसे ज्यादा खर्चा किस पे कर रही है मेरे लाल लालियो, सरकार 100 रुपए में सबसे ज्यादा खर्च कर रही है 21 रुपया, 21.5 रुपया पूंजीगत परिव्यय पे। तो ये हो जाएगा पहले नंबर पे, कितने पे हो जाएगा, ये पहले नंबर पे हो जाएगा आपका पूंजीगत परिव्यय, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरे नंबर पे वेतन जा रहा है सरकारी कर्मचारियों को, जो उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं काम, पेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पेड अप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसे आप जाओगे प्रशासन में तो सरकार जो आपको पैसा देगी, तो वो दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे पेंशन है, क्या है, पेंशन प्राप्त, जो लोग रिटायर हो गए गवर्नमेंट जॉब से, पेंशन जा रही है, तो 100 रुपए में से 21 रुपया जा रहा है अवस्थापना व्यय पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, चाहे तो पुल बनवाओ, चाहे तो ब्रिज बनवाओ, चाहे तो अस्पताल बनवाओ, चाहे तो जो है कोई भवन बनवाओ, तो 21.7 रुपया जा रहा है पूंजीगत व्यय पे, 12.7 जा रहा है वेतन सरकारी कर्मचारी पे, 12.1 जा रहा है पेंशन पे, 11.7 जा रहा है वेतन सहायता प्राप्त संस्थाओं पे, यानी वेज सब्सिडाइज्ड इंस्टीट्यूट, कौन सा, वेज सब्सिडाइज्ड इंस्टीट्यूट। फिर आता है लास्ट आपका फोर्थ, ठीक है, तो ये फोर्थ आपको मैंने बता दिया, इसमें आप चार ही याद रखो, जीवन आसान है, ठीक है, इतने चार ही याद रखने हैं। पहले नंबर पे मैंने आपको बता दिया है, पहले नंबर पे आप याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पहले नंबर पे आप याद रखेंगे पूंजीगत परिव्यय, ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन बनता है इसलिए समय दे रहा हूं। पहले पे आएगा पूंजीगत परिव्यय, दूसरे पे आएगा वेतन, ठीक है, वेतन सरकारी कर्मचारियों के लिए, तीसरे पे आएगा आपका पेंशन, ठीक है, इसको क्रम में लगवाने पूछेगा, और चौथे पे आपका क्या आ जाएगा, चौथे पे आ जाएगा आपका वेतन और सहायता प्राप्त संस्थाएं, वेतन और सहायता प्राप्त संस्थाएं, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्रम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों, फिस्कल डिफिसिट, जिसको कहते हैं राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिसिट या फिर जिसको कहते हैं राजकोषीय घाटा, ये भी आपको याद रखना है, फिस्कल डिफिसिट या राजकोषीय घाटा 3.48% है, कितना है, 3.48% है, इंपॉर्टेंट है, राजकोषीय घाटा से क्वेश्चन बनता है, इसको अमाउंट में भी याद रखिएगा, 84883, कितना है, 84883 करोड़ रुपए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 84883 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा या फिस्कल डिफिसिट। बजट 2023-24 में मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, आउट क्वेश्चन है बजट में, यहां से पूछा गया है पहले भी क्वेश्चन, फिर पूछा जाएगा, नई योजनाएं, न्यू स्कीम्स पे सरकार कितना खर्च कर रही है, 32721, कितना, 32721 करोड़ रुपए सरकार नई योजनाओं पे खर्च कर रही है, 32721 करोड़ रुपए ध्यान रखना है नई स्कीम पे। चलिए अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, देखिए अमृतकाल का पहला बजट है, ये अमृतकाल का पहला बजट है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश केंद्र में है, यानी ये थीम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इस बजट की थीम क्या है, तो बजट की थीम है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, क्या थीम है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है प्रदेश है उत्तर प्रदेश, कितनी जनसंख्या बताई है बजट में, 24 करोड़ जनसंख्या, कितनी, 24 करोड़ जनसंख्या बताई गई है इस बजट में, ध्यान रखिएगा, जीडीपी में योगदान, यानी जो भारत की तमाम जीडीपी है उसमें उत्तर प्रदेश अकेले का योगदान 8% का है, कितना, 8% जीडीपी में योगदान अकेले उत्तर प्रदेश दे रहा है, महत्वपूर्ण बात है। आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी अनुमानित है, 19%, आउट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक तो पूछा जाता है फिस्कल डिफिसिट और एक पूछा जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जीडीपी की जो है टोटल ये ग्रोथ कितनी एस्टिमेट कर रहे हैं, तो ये 19% है, ये दोनों बात जो है आउट क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन आउट होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ और एक फिस्कल डेफिसिट, इनसे क्वेश्चन पूछता ही है प्रत्येक एग्जाम में, तो ये मैंने आपको दोनों एक जगह कर दिए। लखनऊ में इन्वेस्टर समिट हुई थी, लखनऊ में इन्वेस्टर समिट हुई, उसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि
16 अलग अलग देशों की यात्रा पे और 8 अलग अलग शहरों की यात्रा पे रहे, ताकि दूसरे देशों से जो है लोगों को लाया जा सके इन्वेस्टर समिट में लखनऊ में, और उत्तर प्रदेश को निवेश प्राप्त हो सके। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। एक और आउट क्वेश्चन है, चाहे तो इसको करंट में मान लो चाहे बजट में मान लो, कि उत्तर प्रदेश में G20 की टोटल जो है पूरे भारत में 11 बैठकें हुई है ना, 11 बैठकें हुई दिसंबर से नवंबर तक, और इसमें 4 हुई हैं यूपी के शहरों में। कितनी? यूपी के शहरों में 4 बैठकें हुई हैं। ये शहर कौन कौन से मेरे बच्चे? लखनऊ है, आगरा है, वाराणसी है और ग्रेटर नोएडा है। ठीक है, याद रखिएगा ये चारों शहर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा, इन 4 शहरों में G20 की बैठकें 11 हुई हैं, तो 11 में से 4 यूपी में हुई हैं और 7 अलग शहरों में हुई हैं, ये ध्यान रखना है। अगला महत्वपूर्ण पूछ लेता है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कौन सी? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसमें मिलते हैं 15,000 प्रति लाभार्थी, 15,000 प्रति लाभार्थी इसमें लाभ मिलता है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी बजट 2023-24 के लिए इसमें 1,050 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। कितने का प्रावधान है? 1,050 करोड़ रुपए का, ध्यान रखना है। अगला है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत, किस योजना के तहत? स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, इसके तहत मेरे प्यारे बच्चों टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कितना है? 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान। अगला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, कौन सी योजना? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके लिए 320 करोड़ रुपए। कितना? 320 करोड़ रुपए का प्रावधान है मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात आपको याद रखनी होगी। और महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या है? गंगा एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक है? मेरठ से प्रयागराज तक, इसके लिए टोटल 36,230, कितना? 36,230 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त झांसी लिंक एक्सप्रेसवे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 235 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कितना? 235 करोड़ रुपए का प्रावधान, ये अमाउंट याद रखिएगा, पूछ सकता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ लिंक परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान है, स्क्रीनशॉट ले लो सबके। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 12,631 करोड़ रुपए का प्रावधान है, किसके लिए? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 12,631 करोड़ रुपए। प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज, और इसमें भी विश्वविद्यालय भी खोले जाएंगे जो हम आगे देखेंगे। तो युवाओं में उच्च शिक्षा हेतु 4 नए राज्य विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, और ये आउट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कौन से 4 जो है नए राज्य विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, कहां कहां पे। तो पहला खोला जाएगा कुशीनगर में, दूसरा मुरादाबाद में, तीसरा देवीपाटन में और चौथा मिर्जापुर में। मेरे प्यारे बच्चों ये चारों जगह याद रखिएगा, यहां खोले जाएंगे 4 नए राज्य विश्वविद्यालय। किस लिए? तो युवाओं में उच्च शिक्षा के लिए। कहां कहां पे? कुशीनगर, मुरादाबाद, देवीपाटन और मिर्जापुर, इतनी बात याद रहेगी। उसके बाद याद रखना है आपको बजट का 24%, कितना? बजट का 24%, तो इसको कह सकते हैं कि लगभग 1/4, कितना? लगभग 1/4 मेरे प्यारे बच्चों जो है खर्च किया जा रहा है अब स्थापना पे, किस पे? इंफ्रास्ट्रक्चर पे, किस पे? इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लगभग जो है 1/4 इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार जो है खर्च कर रही है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कॉलेज बनाए जा रहे हैं, या फिर हमने पीछे देखा गंगा एक्सप्रेसवे है, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है ना, मेडिकल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, इन पे जो सरकार खर्च कर रही है वो हमने देखा भी था पीछे 21.7%, कितना? 21.7% पूंजीगत व्यय है। तो उसमें आप ये देखोगे लगभग 24% जो है अवस्थापना विकास पर है और दूसरी चीजों पे लगा के। ठीक है, अब आ जाते हैं जो बजट में बात की गई कि उत्तर प्रदेश कुछ चीजों में पहले स्थान पे है, जो आपको याद रखना होगा। उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान धारित किए हुए है किस किस चीज में प्यारे बच्चों? तो अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण, अगर आपसे पूछ ले अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण में कौन सा राज्य प्रथम है, तो उत्तर प्रदेश। जीडीपी में 16.8% की वृद्धि, इसमें भी पहले पे है, मैंने आपको बता दिया कि जीएसडीपी करिएगा इसको, जीडीपी थोड़ा गलत वर्ड हो जाएगा क्योंकि जीडीपी तो नेशनल हो जाता है,
तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 16.8% की वृद्धि है, जो अगले फाइनेंशियल ईयर यानी बजट में इसको कितना कर दिया गया है, 19% का लक्ष्य कर दिया गया है। पीएम आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के तहत आवास बनाने में, पीएम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के तहत आवास बनाने में प्रथम है उत्तर प्रदेश। ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण में पहले पर है। एमएसएमई की स्थापना यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की स्थापना में भी उत्तर प्रदेश पहले पे है। पीएफएमएस पोर्टल द्वारा डीबीटी ट्रांसफर में प्रधानमंत्री जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें पोर्टल के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में भी उत्तर प्रदेश पहले पे है। जो लोग कृषि में निवेश करते हैं उनको जो निवेशों पर देय बनता है सरकार का, किसी बड़े आदमी ने मान लीजिए कृषि में निवेश किया उस पे जो देय बन रहा है उस देय राशि को भी डीबीटी ट्रांसफर के मामले में उत्तर प्रदेश पहले पे है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट आउट क्वेश्चन, मनरेगा के तहत, किसके तहत, महात्मा गांधी नरेगा के तहत, तो मनरेगा के तहत जो है, मनरेगा के तहत 26.2 लाख मानव दिवस सृजित किए गए, इसमें भी उत्तर प्रदेश पहले पे है, यानी कि मानव दिवस में रोजगार में भी पहले पे है। और उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान मेरे प्यारे बच्चों किस किस में है, तो दुग्ध उत्पादन में है, किसमें, दुग्ध उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, एथेनॉल आपूर्ति करता राज्य के तौर पे पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश आया है। वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश पहले पे है। स्टार्टअप में इंस्पायरिंग, ये ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप में इंस्पायरिंग लीडर के तौर पे उभरा है उत्तर प्रदेश। स्टार्टअप योजना के तहत इंस्पायरिंग लीडर के तौर पे उत्तर प्रदेश उभर के आया है। और बजट अगर पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि बड़े बड़ी जो लोग हैं वो कुछ भी जो है पढ़ाते हैं लेकिन लोग वहां ज्यादा जाते हैं, और छोटे चैनल पे लोग जो है मेहनत करते हैं तब भी व्यूज नहीं आते। आप लोग हमारे तक पहुंच पाए तो उसके लिए शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि अपने दोस्तों के साथ भी क्रेकनाओं को शेयर करिए, आपके सहयोग की हमें बहुत आवश्यकता है। चलिए एक और महत्वपूर्ण बात आप देख लो, हमने जो है पीछे आपसे बात की थी राजस्व प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिट की और आपको कैपिटल रिसिट की, उसको एक बार मैं जिक्र करूंगा यहाँ पे। रिवेन्यू रिसिट, राजस्व प्राप्ति कितनी थी, 570,865, कितनी थी, 570,865, है ना। और पूंजीगत प्राप्तियां कितनी थी, 112,427, ठीक है। इन दोनों को अगर जोड़ दो तो ये कितना बन जाता है, 683,292, ठीक है, 683,292, ऐसे करके याद रखो। तो इसमें उत्तर प्रदेश में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कर राजस्व में टोटल हिस्सा कितना है, सरकार का, केंद्र सरकार का और जो है राज्य सरकार का। तो ये तो राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति है, लेकिन इसमें भी अगर आप टैक्स कलेक्शन को निकाल दो, टैक्स रिवेन्यू को इसमें आप अलग से कैलकुलेट करना चाहो मेरे प्यारे बच्चों, तो टैक्स रिवेन्यू होता है 44,587, कितना, 445,871, ऐसे याद रखिए, 445,871। इसमें खुद स्टेट ने कितना किया है, तो 262,634, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लोग छोड़ देते हैं, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। तो जो टोटल कलेक्शन हो रहा है टैक्स का, उस वो हो रहा है 445,871 करोड़, इतना, ठीक है, ये इतने रुपीज हैं, 445,871 करोड़ रुपीज। इसमें स्टेट खुद कर रहा है 262,634, ये मानो 4 करोड़ का हो रहा है, 4 करोड़ में 2 करोड़ स्टेट खुद कर रहा है और 1 करोड़ सेंटर दे रहा है, तो 1,83,00,000 दे रहा है सेंटर, 2,62,00,000 यूपी खुद कर रहा है टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन 4,45,00,000 में से, इस तरीके से याद रखना है। आपसे एक अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है, जीएसटी तथा जीवीए कितने का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश सरकार का, तो जीएसटी कलेक्शन का लक्ष्य है टोटल 150,000 करोड़ का, कितना, 1,50,000 करोड़, ठीक है, 1,50,000 करोड़ का लक्ष्य है, कब के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, जब के लिए हम बजट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 1,50,000 करोड़ का लक्ष्य है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है जीएसटी में आबकारी शुल्क आएगा 58,000 करोड़ का, उसके बाद स्टाम्प एवं पंजीकरण है 34,560 करोड़, वाहन कर है 12,672 करोड़। ये मैंने आपको बताया क्यों, ध्यान से सुनिए, पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो टोटल कर राजस्व है वो यूपी ने यानी उत्तर प्रदेश ने अपना कर राजस्व कहां से सबसे ज्यादा किया है, तो अब आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो यूपी अपना टैक्स जनरेट कर रहा है वो सबसे पहले नंबर पे जीएसटी से ही होता है,
कहां से? सबसे ज्यादा जीएसटी से होता है, फिर दूसरे नंबर पे आबकारी शुल्क आता है, तीसरे पे स्टाम्प एवं पंजीकरण आता है, चौथे पे वाहन आता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन लास्ट ईयर ये जो कलेक्शन हुआ है इसमें थोड़ा फेरबदल है, तो अगर आपसे पूछ ले तो पहले जीएसटी पे आएगा, फिर आपके बाद स्टाम्प आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी कोई चेंज नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश ने अपना रेवेन्यू कहां से कलेक्ट किया है, तो जीएसटी फिर स्टाम्प होगा। ये लगा दोगे तो जीवन आसान हो जाएगा, और ये जोश आपको रखना है, मंजिले लाख कठिन आए तो गुजर जाऊंगा, रोज मन में दोहराइए जब तक एग्जाम नहीं हो रहा, मंजिले लाख कठिन आए तो गुजर जाऊंगा, हौसले हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा, लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता, लेकिन जिधर जाऊंगा रोशनी ले जाऊंगा, जिधर जाऊंगा रोशनी ले जाऊंगा, मंजिले लाख कठिन आए तो गुजर जाऊंगा, हौसले हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। ये याद रखिए, रोज दोहराइए और पढ़ते रहिए मेरे साथियों ट्रैक नाउ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, हैव ए गुड डे, जय हिंद।